नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इसके सिंपल फूड में। आज मैं इडली का रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मेरा तरीका है, आपका भी कोई तरीका तो मुझे ज़रूर बताइए। और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये मैंने रात को भिगो के रखा था उड़द का दाल, और तो ये मैंने इस गिलास से नापा है कि अगर मेरा 2 गिलास चावल रहता है, इसके साथ मैंने मेथी भी 1 चम्मच भिगो दी थी, तो 2 गिलास चावल और ये उसका आधा यानी 1 गिलास उड़द का दाल, और उससे भी आधा यानी आधा गिलास चने का दाल, इन सबको भिगो दिया था। यानी 2 गिलास चावल, 1 गिलास उड़द का दाल और आधा गिलास चने की दाल, और साथ में मैंने चावल में ही मेथी भिगो दिया था। और इन सब का पेस्ट बना लेती हूँ। तो पहले मैं दाल का पेस्ट बना लेती हूँ, फिर मैं चावल का बनाऊँगी। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट है। अब चावल का बनाते हैं। तो ये हमने चावल का भी पेस्ट बना लिया, और दोनों को मैं मिक्स करके एक बर्तन में रखती हूँ। अगर मुझे इसी टाइम इडली बनानी होती तो मैं इनो का यूज करती हूँ, वरना मैं इसको रख देती हूँ खमीर उठने के लिए पूरी रात गर्म जगह पे। तो अभी मुझे बनाना है तो मैं इसमें इनो डालूँगी 1 पैकेट। तो ये देखिए, ये मैं इनो डाल के और मिक्स करूँगी। इनो डाल के कभी भी खमीर उठने के लिए मत रखिएगा, जब बनाना हो तभी इनो डालिए या खाने वाला सोडा। तो मैंने इसमें कुकर बनाने वाले बर्तन में 2 गिलास पानी डाला, और अब इसमें इनो डालती हूँ और डाल के इसे मिक्स करती हूँ। ये इंस्टेंट इडली जो कहते हैं वो है, इसी टाइम बनाना, वरना खमीर उठाने के लिए तो मुझे 12 से 14 घंटा रखना पड़ेगा। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं, और इसी टाइम मैं नमक भी डाल दूँगी स्वाद अनुसार। अगर इस टाइम आप बैटर चेक करके आप नमक देख सकते हैं। और इन सब सांचों में, जो इडली का सांचा होता है, उस सब में हल्का हल्का तेल लगा लेंगे। आप जो तेल खाते हैं वो लगा लीजिएगा। और इनको ग्रीस करने के बाद इनमें बैटर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे दोस्तों, इतना डालेंगे कि ये फूल के ऊपर की तरफ आ जाए। ज़्यादा डालने से ये बाहर बैटर आ जाएगा और हमारे गोल इडली नहीं बनेंगे। तो इधर पानी खोल रहा, तब तक मैं सब में तेल लगा के, काफ़ी लोग इसमें कपड़ा रख के फिर बनाते हैं, तो मैं तेल लगाती हूँ। तो चलिए इसमें डाल लेते हैं सब में, ज़्यादा नहीं डालना। देखिए देख लीजिए आप कैसे डाल रही हूँ मैं। थोड़ा कम ही रखेंगे क्योंकि ये फूलता है और फूल के ऊपर की तरफ आएगा। इसको जब डाल देंगे तो हल्का सा इसको टैप करेंगे ताकि ये अच्छी तरह फैल जाए। ज़्यादा हो तो निकाल लीजिए, वरना ये ऊपर की तरफ उठेगा तो ये हमारे किनारों को छोड़ के बाहर की तरफ आ जाएगा। और बैटर देखा है आपने, ज़्यादा पानी की तरह नहीं है, वरना ये गिरने लगेगा। पानी खोल गया, अब मैं इसमें 1-1 करके सभी इडली स्टैंड को रख दूँगी। तो सबसे पहले नीचे रखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर 1 करके, ये मेरे 3 मंजिला जो कहते हैं या 3 सांचे हैं उनको रख रही हूँ 1 के ऊपर 1। ऐसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाएंगे। तो तीनों आ गया, अब मैं इसे ढक देती हूँ, और ढक के पकने के लिए छोड़ देती हूँ 10 से 15 मिनट। अगर आपको 10 से 15 मिनट का समझ नहीं आता तो आप इसको खोल के एक चाकू या टूथपिक लेके इसके बीचों बीच 10 मिनट बाद बीचों बीच लगा के देखेंगे। अगर आपका चाकू या टूथपिक बिल्कुल साफ़ सुथरा बाहर आ जाता है और उसमें नहीं लगता है, ये देखिए, तो समझिए कि आपका इडली हो गया। अगर नहीं हुआ तो फिर से ढक के इसको छोड़ दीजिए। ये मैं निकाल लूँगी, हो गया मेरा, और निकाल के इसे रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर गरम गरम हम निकालते हैं तो ये टूटने का, इसके ऊपर टूटने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा ठंडा हो जाने दें, उसके बाद आप इसे निकालें। तो बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि हमने नीचे तेल लगाया था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के। तो ये देखिए आसानी से निकल रहा है।
ये देखिए, अब गर्म में निकालेंगे तो टूट जाएगा बीच में से। आपको दिखाती हूँ, ये सॉफ्ट बना है, अंदर से भी देख दिखा देती हूँ। ये मेरे फ़ोन का लाइट पड़ रहा है इसके ऊपर, इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है, फिर भी देख लीजिए सॉफ्ट है। और इसे मैंने नारियल की चटनी और धनिया की ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आपका भी कोई तरीका हो इडली बनाने का तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।